नमस्कार, आप सभी का चौक चौपाल में स्वागत है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। आज का दिन हम हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के आठवें दिन की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई हर जगह थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए खतरा था। कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीन लोक के तीन गुणों सतगुण रजगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने की वजह से कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थी। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का आठवां पुत्र कंस को मारेगा, अर्थात ये होना पहले से ही निश्चित था। अतः वासुदेव और देवकी को जेल में रखने के बावजूद कंस कृष्ण जी को नहीं मार पाया। गुजरात के द्वारका में लोग जहां माना जाता है कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, दही हांडी के समान एक परंपरा के साथ त्योहार मनाते हैं जिसे माखन हांडी कहा जाता है। अन्य लोग मंदिरों में लोक नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं। कृष्ण मंदिरों जैसे द्वारकाधीश मंदिर या नाथ द्वारा जाते हैं। कच्छ जिले के क्षेत्र में किसान अपनी बैलगाड़ियों को सजाते हैं और सामूहिक गायन और नृत्य के साथ कृष्ण जुलूस निकालते हैं। जन्माष्टमी उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ा त्योहार है। मथुरा जैसे शहरों में जहां हिंदू परंपरा कहती है कि कृष्ण का जन्म हुआ था और वृंदावन में जहां वो बड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के इन शहरों में वैष्णव समुदाय साथ अन्य राज्य राजस्थान दिल्ली हरियाणा उत्तराखंड और हिमालयी उत्तर के स्थानों में जन्माष्टमी मनाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन घर पर गाय या फिर बछड़े की मूर्ति लाएं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का कृपा से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि इस बार 30 अगस्त को पड़ रही है। हिंदू जन्माष्टमी का उपवास, गायन, एक साथ प्रार्थना करने, विशेष भोजन तैयार करने और साझा करने, रात्रि जागरण और कृष्ण या विष्णु मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख कृष्ण मंदिर भागवत पुराण और भागवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिन्हें रासलीला या कृष्ण लीला कहा जाता है। रासलीला का परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। ये शौकिया कलाकारों की कई टीमों द्वारा अभिनय किया जाता है, उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है और ये नाटक नित्य नाटक प्रत्येक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले शुरू होते हैं।